माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जस्ट एक ब्लॉग का एंड किया है जो कि है कुर्ती हॉल, और मैं सोची क्यों ना मैं दूसरा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, थोड़े से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं शाम के समय में क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। और मेरा फेस आपको पता चल रहा होगा कि अजीब सा हो चुकी हूँ। तो फास्ट है, ऊपर से नवरात्रि है, फास्ट है, तो इसमें ना कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करते, मतलब रूटीन का भी मेकअप नहीं करते। अगर थोड़ी सी स्किन खींची होती है तो बस थोड़ा सा घी लेके मैं लगा लेती हूँ, ऐसे खींची नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं तब हमारी स्किन खींची खींची सी डल जैसी लगती है, और ऐसे डल तो होगी ही क्योंकि अब कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो मैं फेस वॉश भी यूज नहीं करती हूँ बिल्कुल। तो बस और 4 दिन निकल गया माता रानी की सेवा में, 5 दिन 4 दिन और है। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तो बेटी कही कि कुछ अच्छा बना खाइए, तो मैं क्या फलहार में अच्छा बनाऊंगी। तो आप लोग पता है जैसे सेंधा नमक खाते हैं तो कुछ बनाते भी सकते, तो मैं सेंधा नमक भी नहीं खाती, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा बना लूँ जैसे मेरी बेटी ने जिद किया है। तो आज मैं आलू की टिक्की बनाने वाली हूँ एंड मखाने की खीर। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि चलिए मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो चलिए मैं फ़ोन को ट्राइपॉड में लगा दूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू की टिक्की एंड मखाने की खीर। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं बनाऊँगी मखाने की खीर, बट मैं मखाने की खीर नहीं बना रही क्योंकि मखाने मैंने रोस्ट नहीं किया है और मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। तो मेरे से क्लिप मिस हो गई दोस्तों, मैंने दूध रखा, मुझे लगा कि रिकॉर्ड ऑन कर दी हूँ बट रिकॉर्ड ऑन नहीं था। तो मैंने जब दूध पूरा उबाल आ गया तो दूध में मैंने छोटे वाले साबूदाने थे, मैंने बस एक मुट्ठी साबूदाना अपनी मुट्ठी भर में लेके और उसे धुल लिया था और उसे डाल दिया। तो देख सकते हैं हमारी साबूदाने की जो खीर है बन रही है। तो ये साबूदाने की खीर में बना रही हूँ और आप सोचिए इतना सारा। तो साबूदाने की खीर मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है, तो जब भी अगर मैं नवरात्रि का जो कुछ भी बनाती हूँ मेरे घर में, मैं सबको प्रसाद तौर पर देती हूँ और पसंद भी आता है, अच्छे से खा भी लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो खासकर बहुत ज़्यादा ही ये सब चीज़ें पसंद आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना देती हूँ, ज़्यादा मात्रा में। अगर मैं उनको मैं दे दूँ तो खा भी लेंगे। तो ये देखिए मेरी साबूदाने की खीर लगभग लगभग बन चुकी है, देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल छोटे वाले साबूदाने हैं, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी वाली साबूदाने मैंने ले रखा है, देखिए छोटी वाली साबूदाने हैं। और मैं इसी का खीर बना रही हूँ। तो मैंने दूध ज़्यादा डाला था बस एक मुट्ठी से, अगर आप साबूदाने की खीर बनाए दोस्तों तो पहले दूध को पूरा उबाल ले, मतलब इतना उबाल ले कि आपका अगर 1 किलो दूध है तो कर 1 पाव दूध आपका सूख जाए और 3 पाव दूध बच जाए, तो उसमें आप साबूदाना डाले, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से साबूदाने। और मैं साबूदाने को घी में रोस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि उससे फटने का भी डर रहता है दूध का। आप इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा साबूदाना टेस्टी बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो साबूदाने के भी ऊपर है, कोई कोई साबूदाना ऐसा होता है दूध में डालते ही साबूदाना जो है घुल जाता है, लेकिन ये देख सकते हैं कि मेरी साबूदाने बहुत अच्छी है और ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छे साबूदाने जो है, देख सकते हैं आपको बिल्कुल दाने दाने दिख रही है ना, ये साबूदाने देखिए दोस्तों। और लगभग लगभग हमारा साबूदाने, लेकिन फिर भी मैं इसे पकाती रहूँगी जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ापन ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और साबूदाने बनाने के बाद मैं टिक्की बनाऊंगी जैसा कि मैंने आपको बोला है। साबूदाने और साबूदाने की खीर और टिक्की बनाऊंगी आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की की प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ और मैं आपको नहीं दिखाई दोस्तों, सॉरी मुझे से क्लिप मिस हो गई और मुझे लगा कि मैं इच्छा थी दोनों की थी। तो मैं फिर भी आपको बता दूंगी एक आइडिया से, और मैं अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे कुकिंग चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए साबूदाने की जो खीर है हमारी रेडी हो चुकी है। अब आपको ये दिख रहा होगा इतना, मतलब है इतना तो इतना नहीं रहेगा दोस्तों, अगर इसे हम नीचे रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा और ये बहुत अच्छी खीर बन चुकी है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तब इसे मैं हटा के मैं टिक्की बनाने की प्रिपरेशन करूंगी।
तो फ्रेंड्स साबुदाने की हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है और अब मैं तवा रख दी हूँ आलू की टिक्की बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने चार पांच आलू उबाल लिए और चार पांच आलू उबालने के बाद इसे मैंने ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद दोस्तों इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और हरा मिर्च अदरक का एक फाइन पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें कूटा हुआ काली मिर्च और कूटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर भी डाला जो कि बिल्कुल मैंने व्रत के लिए ही तैयार करके रखी हूँ। ये सब डाल के मैंने इसे मैश कर लिया। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो इसमें सेंधा नमक डाल लें, अगर सेंधा नमक नहीं खाते हैं तो इसी तरह से हम टिक्की बनाएंगे। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखनी है फ्रेंड्स तो गुड़िया ब्यूटी एंड कुकिंग में मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हूँ व्रत वाला ही टिक्की, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। बट यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर जाइए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए वहां मैंने व्रत वाले आलू की टिक्की बनाई हुई हूँ, बहुत ही अच्छी और ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। मूड को माइंड को सबको फ्रेश कर देता है। थोड़ा सा मीठा खाने के बाद अगर ये आप चटपटा खा लेना तो आपके मतलब मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने तवा रख दिया, तवा मेरा गर्म हो चुका है और हम अपने हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा घी। 9 दिन का फलाहार जब होता है ना फ्रेंड्स, तो फल खाते फ्रूट्स खाते खाते ना जो हमारे मतलब मुंह का टेस्ट है जो स्वाद अजीब हो जाता है। तो ये देखिए मैंने हाथ में घी लगा लिया और इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे फ्रेंड्स। रुकिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने हाथों में घी लगाया और घी लगा के इस तरीके से मैंने टिक्की बना लिए हैं। अब इसे हम सेकेंगे। तो ये देखिए मेरा तवा भी गर्म हो चुका है दोस्तों। अब तवे पे मैं क्या करूंगी कि मैं देसी घी, आप अगर रिफाइन ऑयल खा रहे हैं तो रिफाइन ऑयल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं खाती रिफाइन ऑयल वगैरह, तो मैं इसलिए सिर्फ देसी घी में बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम टिक्की को तवे पर रख देंगे। एक बार में आपका तवे को जितना लग सके आप उतना लगा ले। तो मैंने देखिए करीब इतना रखा है और लो को हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा घी हम इस तरीके से करेंगे ताकि जो हमारे पूरे टिक्की में लग जाए, तो इस तरीके से हम जो और भी हमारे टिक्की है ना दोस्तों अपने टिक्की को बना लेंगे। और इसी तरीके से हम इसे उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छे से टिक्की को सेक लेंगे। और इस तरीके से अगर आप अपने टिक्की खाते हो तो सच में आपका बिल्कुल आप लगेगा नहीं कि आपने फास्ट रखा है फ्रेंड। मैं क्या करती हूँ कि आलू फ्राई कर लेती हूँ या टिक्की बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा मूड को और माइंड को मुंह को थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है, तो थोड़ी सी अच्छी अच्छा लगता है। फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाती थी, फ्रूट खाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं होता है। ऐसे आप अगर खाना खाकर फ्रूट खाएं तो आपको थोड़ा सा इच्छा भी होगा तो इंसान खा लेता है, लेकिन जब हम फास्ट रख के फ्रूट खाएं तो फ्रेंड तो बिल्कुल मन नहीं करता है अजीब, क्योंकि मुंह का स्वाद टेस्ट सब अजीब हो जाता है। मीठा मीठा खाने से बिल्कुल देखने तक भी मन नहीं करता मुझे। तो ये टिक्की मेरा हो चुका है, बट मैं मेरे हाथ से थोड़ा सा चटनी डाल लूँ लग चुका है फ्रेंड, मैं अच्छे से हाथ वॉश कर लूँगी। ठीक है, अब देखिए इसे हम अच्छे से, आप चाहे तो नॉन स्टिक बनाए तो शायद आपका और अच्छा बन जाएगा फ्रेंड। ना ये नॉन स्टिक तवा नहीं है इसलिए मे भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, हमें बस किसी ये तो नहीं है जो पूरा स्वाद ले ले खाना है, बस थोड़ा सा। अब 9 दिन का फास्ट है तो अपने 9 दिन में चेंज कर करके अपना खाते रहेंगे ताकि हमारा मतलब मूड भी सही रहे और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाए, तो और मीठा मीठा से मन भी ना हो। तो मैं ये ऐसे बना के मतलब खाती हूँ दोस्तों और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसे वैसे नहीं खाएंगे फ्रेंड्स। इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी दही लगा डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह अगर कटके आपको मन है तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे एक फोरन पलटने के बाद थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि जो इस साइड में है अच्छे से हमारा ये जो है टिक्की जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप इसमें चाहें तो फ्रेंड साबुदाने को फ्रेश पाउडर साबुदाने का पाउडर बना के भी आप इसमें डालिएगा तो और भी कुरकुरी टिक्की बनेगी, बट मुझे उतना तामझाम नहीं करना था, सिंपल वे मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने अच्छे से हमारी टिक्की जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम टिक्की को निकाल के मैं दूसरी टिक्की इसी तरह बना लूंगी। तो
तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्की बन चुकी है और सच में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे हम किस तरीके से बना रहे हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी टिक्की खा सकते हैं और चाहें तो दूसरे तरीके से भी खा सकते हैं। तो आइए मैं दूसरा तरीका आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने एक कटोरी ले लिया है, तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्की बन चुकी है। अब दो टिक्की को हम इस तरीके से ले लेंगे, आप जितना खाए उतना ले ले। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी डालेंगे दही, देखिए, और ये बिल्कुल, मैं देखिए दही कितनी अच्छी जब है, तो मैं इसमें दही थोड़ी सी डालूंगी। और आप अगर इस तरीके से खाइएगा दोस्तों तो सच में और बहुत टेस्टी लगेगा, बट अगर आपको जैसे मन आप उस तरीके से खाएं, मुझे तो बस इस तरीके से ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने दही ले लिया, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जो लाल मिर्ची है ना, ये मैं थोड़ा सा इसमें कुछ इस तरीके से बना लूंगी, और थोड़ी सी काली मिर्च। अब आप अगर चाहें तो इसमें जो धनिया और अदरक का पेस्ट बनाए तो वो भी डाल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी आलू, ये हमारी हो गई व्रत वाली फलाहार टिक्की। तो चलिए मैं आपसे खाने के डाइनिंग टेबल पे मिलती हूँ सीधे। ये देखिए सुबह सुबह मैंने पूजा कर ली है और आज मेरी पूजा 8:30 की समथिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना माता रानी के दर्शन आप लोग को करा दूं। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी पूजा की, ताकि आप लोग भी मेरे माता रानी के दर्शन कर लें। तो ये देखिए मेरा खंड ज्योति बहुत अच्छे से जल रहा है, और ये देखिए मैंने लाल फूल, बहुत सारा लाल फूल लाती हूँ और माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लें, यानी इन्हें प्रणाम कर लें और माता रानी सबकी दुआ पूरी करें। तो चलिए मिलते हैं बाद में आपसे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो सो सॉरी गाइस, मैं कल रात को वीडियो कंटिन्यू कर नहीं कर पाई और ना ही एंड कर पाई। मैंने खाना बनाया, अपना फलाहार बनाया, और बनाते के साथ ही मैं क्या करी ना कि फलाहार की, और फलाहार करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सोने चली गई। और उसके बाद सुबह भी उठी तो फिर थोड़ा सा लेट से मैं उठी, आज करीब मैं 6 बजे उठी, और मुझे 6:10-15 में फूल लाने जाना होता है, तो मैं फूल लाने चली गई। उसके बाद पंडित जी आ जाते हैं, तो पता ही आप लोग कितने सारे काम हो जाते हैं। फिर अभी जस्ट पूजा ख़त्म हुआ है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और मैं पूजा रूम में से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट पूजा मेरा ख़त्म हुआ है, अब मैं शरबत बना के पीऊँगी, वो जैसे मैं बताया कि दही वाला सी। और देख सकते हैं मेरी फेस की कितना गर्मी हो रही है रूम में, तो इस वजह से, और ऐसे ही। तो अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड भी करूँगी दोस्तों, क्योंकि आगे क्या कंटिन्यू करूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने जो रेसिपी शेयर की आपके साथ, तो आप उस तरीके से फलाहार बनाए खाएं। और कल का वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ दोस्तों आज नहीं कल मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा, देखिएगा। और देखिए मेरी माता रानी के से फूल अभी देखिए गिर गए,
तो बोलते हैं कि फूल गिरना अच्छा होता है। तो दोस्तों चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। और फिर आपसे कल आज तो सॉरी गाइस, आप लोगों को बहुत सारा बधाई, आज पाँचवें दिन की माता रानी का पाँचवें दिन का बहुत ढेर सारा बधाई। और कैसा आप लोग का भी चल रहा है नवरात्र, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से मैं पूजा पाठ सब संपन्न कर रही हूँ, बिना कोई बाधा के मेरा सारा काम जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। मुझे भर भर के फूल भी मिल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे भर भर के फूल चढ़ा रही हूँ, वो भी माता रानी के पसंद वाले फूल। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ मैं पूजा में संपन्न करूँ, तो मेरा पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है आप लोगों की दुआ से, माता रानी की दुआ से। तो चलिए मिलते हैं छठे दिन वाला ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए। तो जैसा कि मैं बताई थी कि आपको मैं 9 दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी, तो इस वजह से छोटा बड़ा जो भी ब्लॉग है आप लोग स्किप ना कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप करते हैं बाय बाय।